रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम प्रीवियस हमने तो डिज़ाइन मेन्यू में सारा कुछ डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये जो आज हम डिस्कस करेंगे लेआउट के बारे में कि हमारे पास लेआउट एमएस वर्ड में लेआउट का क्या काम है, पेज लेआउट। तो यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे पेज वाला काम होता है यहाँ पे कि हमारे पास पेज हम नॉर्मल ले रहे हैं, सही है, लेफ्ट राइट वाली साइड पे उसको हम फिट करना है। ये देखें तो ये खुद मर्ज हो रहा है कि किस तरह हमने मर्ज करनी है, नॉर्मल करनी है, फिर उसके बाद मॉडरेट करनी है, वाइड रखनी है। ये देखिए वाइड आ गया, तो जिस तरह ये देखें मिरर आ गया, सही है, जिस तरह आप मर्ज करना चाहते हैं आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस तरह आपको बता रहा है कि मेरे लिए काम इस तरह कर लो, सही है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जितना मार्जिन आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये नॉर्मल आ गया और ये हमारे पास मॉडरेट और सही है। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन की तरफ लेके जाते हैं तो ये पोर्ट्रेट पे हैं, और अगर लैंडस्केप करना चाहते हैं तो ये हमारे पास लैंडस्केप पे आएगा, सही है। तो ये आप पोर्ट्रेट पे दोबारा मैं लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद इसके साइज़ पे देखते हैं, आप क्लाइंट के पे डिपेंड करते हैं कि स्मॉल लेना है आपने, टेबुलर लेना है आपने, देखें साइज़ टेबुलर पर हमने मैंने साइज़ ले लिया, लेटर लेना है तो ये लेटर साइज़ आ गया, लेजर लेना है तो लेजर साइज़ देखें, ये आप पे डिपेंड करें, जिस तरह लीगल आपने लेना है तो लीगल ये देखें। तो ये जितना क्लाइंट A3 लेना है तो A3 ये आ गया, सही है, जिस तरह आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा, जो आप लेना चाहते हैं, जो साइज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप बनाओगे और उसके मुताबिक आपने करना है A4 स्मॉल तो A4 स्मॉल आ गया, सही है। जो भी आपको चाहिए तो आप साइज़ बना A5 ये देखिए A5 बन गया, जो साइज़ आपको चाहिए तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे इनवलप बनाना चाहते हैं तो इनवलप, ये क्या इनवलप डिफरेंट इनवलप बन गए, सही है। इनवलप आपको चाहिए, DL चाहिए, सी साइज़ शीट चाहिए, ये देखें जो साइज़ आपके क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा तो आप वो साइज़ ले सकते हैं और देख सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट साइजेस हैं, ये देखिए। तो जो आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, जो साइज़ आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद आप वहाँ आते हैं कॉलम के साइड्स पे कि हमारे पास ये जो कॉलम है आप किस तरह जो एक आर्टिकल आप बनाते हो, जिस तरह हमारे पास न्यूज़पेपर के कॉलम्स होते हैं वगैरह, और वो हमारे पास बन जाते हैं, कॉलम बना लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसके ज़रिए हम कॉलम बना सकते हैं। ये दो कॉलम आ गए, आप थ्री कॉलम आ गए, यहाँ पे देखें शो हो रहा है आप लोगों को, ये देखें थ्री कॉलम्स आप राइटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर पता चलेगा आप लोगों को, टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, टू कॉलम पे लेके आ रहा हूँ, ये टू कॉलम पे आ गया, सही है। तो ये आप पहले आप सेलेक्ट करेंगे, ये थ्री कॉलम पे लेके आ गए, ये थ्री कॉलम बन गए। तो इस तरह जिस तरह हमारे पास ये लेफ़्ट थोड़ा सा लेफ़्ट और राइट हमारी साइड पे आ गया, सही है, या राइट पे, तो ये डिफरेंट कॉलम आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखें तो आप ख़ुद यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने कॉलम आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेफ्ट राइट स्पेसिंग वेट कितना देना है, स्पेसिंग कितना देना है, सही है, सारा कुछ आप कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है कि जिस तरह हमारे पास न्यूज़पेपर बन जाते हैं, जिस तरह हमारे पास मैगज़ीन बन जाते हैं, तो इस तरह हम इसके ज़रिए हम कॉलम बना सकते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। यहाँ से हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करूँ, दोबारा वन कॉलम की तरह, बकाया मैंने उस तरह सेलेक्ट किए तो ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद अगर आप ब्रेक देना चाहते हैं पेज को, मेक द पॉइंट विच वन पेज एंड एंड द नेक्स्ट पेज बिगिन, तो आप ब्रेक अगर करना चाहते हैं तो आप ब्रेक दे सकते हैं। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।